हेलो फ्रेंड्स, सीरियल गुम है किसी के प्यार में, रिश्तों के जाल में फंसेंगे कई लोग। साई और पाकी की जिंदगी में आएगा नया ट्विस्ट। विराट एक बार फिर होगा मजबूर। सई एक वकील से मिलती है और विनायक के मामले पर चर्चा करती है। वह उसे पूरी सच्चाई से अवगत कराती है और कहती है कि विराट और पाकी उसे अपने ही बेटे से अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। वकील उसे ध्यान से सुनते हैं और फिर पाकी और विनायक के बीच के रिश्ते के बारे में कुछ सवाल पूछते हैं। वह ये भी सवाल करता है कि क्या विराट को विनायक के अपने बेटे होने के बारे में पता था जब उन्होंने उसे गोद लिया था, जिस पर सई इनकार करती है और कहती है कि हाल ही में उन्हें अपने बेटे की पहचान के बारे में सच्चाई पता चली है। इधर वकील सई को समझाते हैं कि अदालत पाकी और विराट के पक्ष में फैसला देगी क्योंकि वे पहले ही विनायक को गोद ले चुके हैं। सई अपने फैसले से चौंक जाती है और कहती है कि वे अपने बेटे को उससे दूर नहीं जाने दे सकती। सई वकील से उसकी मदद करने का अनुरोध करती है और कहती है कि वह विराट को अलग नहीं होने दे सकती। वह बेबस होकर रोती है और वह वकील को पाकी के कुकर्म के बारे में बताती है। सई उस मामले के बारे में जानकारी देने के लिए कहती है जिसमें पाकी जेल गई थी। सई उसे सच्चाई के बारे में बताती है और कहती है कि कई चीजें हैं जो पाकी ने अवैध रूप से की हैं। वकील का कहना है कि वह पाकी के बुरे कर्मों के आधार पर कस्टडी के लिए केस फाइल कर सकते हैं। वह सई की मदद करने के लिए सहमत हो जाता है। इस बीच पाकी विनायक की देखभाल करती है जबकि वह उसे कहानी जारी रखने के लिए कहता है जो उसने उसे होटल के कमरे में बताई थी। वह उसे बताती है कि कैसे चुड़ैल राजकुमार को दूर ले जाने के लिए कोशिश करती है लेकिन रानी के अपने बच्चे की रक्षा और उसे बचा लेती है। भवानी विनायक के लिए विशेष खाना बनाती है। भवानी इसे देखकर अग बबूला हो जाती है और फटकार लगाती है कि उसने विनायक को उसने दूर करने की कोशिश की। वह याद दिलाती है कि उसने हमेशा उसका साथ दिया है लेकिन विनायक के साथ भागते समय विनायक के उस दर्द के बारे में कभी नहीं सोचा। भवानी पाकी को अपनी दृष्टि से दूर जाने के लिए कहती है। पाकी वहां से चली जाती है। इस बीच विराट सई के बारे में सोचकर बेचैन हो जाता है। वह उसके साथ अपने पलों को याद करता है और उसकी स्थिति के लिए बुरा महसूस करता है। उस समय पाकी वहां आती है और उसे सई को विनायक से दूर रखने के लिए कहती है। वह विनायक को लेकर पजेसिव हो जाती है जबकि विराट उसे शांत करने की कोशिश करता है। उस समय सई विनायक को बुलाती है जबकि पाकी कहती है कि विनायक उसका बेटा है जो आसानी से नहीं छोड़ेगी। इसके अलावा सई सावी को ले जाती है और विनायक को खोजने की कोशिश करती है लेकिन उसे देख नहीं पाती। विनायक परिवार के साथ अपने समय का आनंद लेता है। उसी समय विराट को एक कुरियर मिलता है। उसे पढ़कर वह चौंक जाता है। वह विनायक को वहां से दूर भेज देता है जबकि निनाद ने खुलासा किया कि सई ने उनके खिलाफ विनायक की कस्टडी के लिए मामला दर्ज किया है। तुम्हें किसी के प्यार में प्रीकैप में हम देखेंगे कि विराट एक महिला को अपने से दूर भागते हुए देखता है। वह उसे पाकी समझता है और उसे रोकने के लिए चिल्लाता है। जब वह उसका पीछा करता है तो वह भाग जाती है। वह देखता है कि विनायक भी उसके साथ है और फिर सभी भी उसका हाथ पकड़कर उसके साथ दौड़ रही है। विराट भ्रमित हो जाता है और उससे पूछने लगता है कि वह विनायक और सभी को कहां ले जा रही है। वह उसकी ओर मुड़ती है और सही होने का खुलासा करती है। वह उसे देखकर मुस्कुराती है और उनके साथ रहने के लिए कहती है। विराट उसका हाथ पकड़ लेता है। इस बीच ये सब उसने सपने में देखा था जब वह एक मुस्कान के साथ उठता है। वह सही का नाम लेता है और पाकी उसे सुन लेती है और आग बबूला हो जाती है।